रूस यूक्रेन जंग के बीच अब दोनों देशों के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन केमिकल वेपन्स तैयार कर रहा है। 100 मिसाइल और 100 ड्रोन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर नया हमला बोला, मगर वॉर जोन से अलग ये जुबानी हमला था। रूस के न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल कमांड के चीफ इगोर किरिलोव ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 500 टन तबाही का सामान इंपोर्ट किया है। केमिकल का नाम है ट्रिथानोलामाइन। बताया है कि केमिकल जहरीली मस्टर्ड गैस बनाने के काम आता है और यूक्रेन अब वेपन कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। रूस ने अमेरिका को भी घेरा, आरोप लगाया कि बायोमटेरियल की सप्लाई मेल्डोवा और रोमानिया के रास्ते करवा रहा है, साथ ही यूक्रेनी सैनिकों को केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। इसके अलावा मोल्डावा रोमानिया में खास तरह के वायरस को भी डेवलप करने की तैयारी है। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ऐसे आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। रूस की तरफ से इल्जाम उस वक्त लगाए गए जब उसके ताजा हमले में यूक्रेन के कई पावर प्लांट निशाने पर आ गए। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। खुद जेलेंस्की के होम टाउन क्रिवीरिह में भी ड्रोन अटैक किए गए। रूस पहले भी यूक्रेन पर सीक्रेट तरीके से बायोलेस बनाने का आरोप लगा चुका है। रूस की तरफ से कहा गया था कि युद्ध शुरू होने के ठीक पहले यूक्रेन ने 16,000 बायोलॉजिकल सैंपल्स अमेरिका भेज दिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।